में जाएंगे, ईमानदारी के साथ जाएंगे, ना कोई क्रिकेट स्कैम करेंगे, ना कोई बैंकों का स्कैम करेंगे, और जो वहां से जाके आए हैं वो लोगों का एतमाद खो चुके हैं, उन्होंने हमेशा सच और झूठ में कोई फर्क नहीं देखा और झूठ की और मकारी की सियासत की है। हम ईमानदारी के साथ जाएंगे, हमारा ना कोई टैग है, इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए, अपने इज्जत के लिए और जो वकार और इज्जत हमारी स्टेट हमें खो चुके हैं वो इंशाल्लाह वापस ला के आएंगे। आपके अपोजिट पीडीपी के भी ये और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो आपको क्या लगता है, क्या आपका ग्राउंड इतना क्लियर है? आप देख रहे हैं उन्होंने अपना खेल खेल चुके हैं वो, और वो झूठ और मकारी की सियासत थी, करप्शन की सियासत थी, लोगों की कुर्बानियों की सियासत थी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारे जान कब्रिस्तान इस वक्त भरे हुए हैं, हमारे बेरोजगारी है यहाँ पर, हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम इनकी रहनुमाई करेंगे और नुमाइंदगी के साथ वहाँ पार्लियामेंट में वहाँ से अपने इज्जत और वकार के साथ यहाँ की कामयाबी लेंगे। आपको लगता है कि बहुत टफ कंपटीशन रहेगा? मुझे नहीं लग रहा है, ये सच और झूठ की सियासत है। मुझे लग रहा है कि आज लोग चुके हैं कि ये जो अभी तक उन्होंने सियासतें की हैं वो अपने इख्तदार के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने लालच के लिए, अपने करप्शन के लिए, लेकिन लोगों की कोई नहीं सुनता है। आज भी जो लोग हमारे सफर कर रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी